हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, आपका पेपर भी अच्छा हुआ होगा। चलिए तो हम पेपर का सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं, DCM 13। इसमें टॉपिक हमने जो कवर करे हैं वो है ग्रेविटेशन, SHM, इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन देखते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड इज स्लाइटली इंक्रीज बाई डेल्टा टी, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंक्रीज्ड बाई। देखो, एक रोड है, ये एक कोई छड़ है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया और सेंटर से पासिंग परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट आई इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, mL²/12 होता है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मास तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन इसकी लेंथ चेंज होगी। लेंथ चेंज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा क्योंकि एक्सपेंशन होगा ना। तो हम एक काम करते हैं, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये dI/dt हो जाएगा इज इक्वल टू m/12 है, कॉन्स्टेंट है, इंटू 2L dL/dt। ठीक है, देखो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ dl को हम क्या रख सकते हैं, लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन से अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां पे रखेंगे तो dI/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/12 इंटू 2L इंटू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो एल इंटू एल L² हो जाएगा। तो देखो dI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, m L² / 12 है, ये एल इंटू एल L² हो गया, ये 2 और ये क्या हो जाएगा अल्फा। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाई बोल सकते हैं। तो और dt जो है यहां से इधर आ जाएगा। ठीक है, तो dI की वैल्यू जो आई हमारे पास, वो dI की वैल्यू क्या आ जाएगी, m L² को हम क्या रखेंगे, I रखेंगे, तो 2 अल्फा I इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, ये डेल आई की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो 2 अल्फा I डेल्टा टी, इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है डियर, थर्ड आंसर करेक्ट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अपन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए मेटल सीट विद ए सर्कुलर होल इज हीटेड देन रेडियस ऑफ होल। देखो थर्मल एक्सपेंशन में किसी भी बॉडी के एक्सपेंशन के रिगार्डिंग आप एक ही बात ध्यान रखो, हर एक दो पॉइंट के पेयर का जो बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज होता है जब उसका टेम्परेचर अपन राइज करेंगे, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो गेट्स लार्जर, फर्स्ट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कोफिशियंट ऑफ ए सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड इज, देखो बीटा की वैल्यू दे रखी है, बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2×10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन अल्फा बताना है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, β/2 नहीं होता है क्या, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग 1×10⁻⁵, अपना फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड के अंदर अपना आंसर कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आंसर सॉरी फोर्थ आंसर करेक्ट हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन नंबर में फोर्थ आंसर करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ ए कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज, देखो गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5×10⁻⁴ केल्विन इनवर्स। द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर राइज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी जो है वो कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन स्केल के अंदर लो चाहे से
डिग्री सेंटीग्रेड में लो, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज रो में आंशिक परिवर्तन देखना है, तो डेल रो इज बाई रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो गामा इंटू डेल्टा टी करेंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा, 5a इंटू टेंडेंस टू पावर माइनस 4 इंटू 40, तो 40 इंटू 5 200 इंटू टेंडेंस टू पावर माइनस 4, तो माइनस 4 से ये दो जीरो कैंसिल करेंगे, पावर माइनस 2 बचेगा, तो ये 0.02 आ जाएगा। तो 0.02 आंसर ना कौन सा हो रहा है, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ आंसर करेक्ट हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रोड आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2, लेंथ ऑफ ब्रास स्टील आर L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली, इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर विच ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड। देखो दो रोड है, उन दोनों की रोड की लेंथ क्या है, L1 और L2 है। ये L1 लेंथ है, अल्फा 1 इसका, और ये क्या हो गया, L2 इसकी लेंथ और अल्फा 2 इसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, रेखीय प्रसार गुणांक। इन दोनों की लेंथ में ये डिफरेंस नहीं है क्या, डेल एल। ये कह रहा है कि डेल एल क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। डेल एल दोनों की लेंथ का डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, चाहे आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इन दोनों की लेंथ इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज होंगी तो इंक्रीज कुछ ऐसी होनी चाहिए दोनों की लेंथ कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहे, सॉरी दोनों की लेंथ का जो डिफरेंस है वो क्या रहे, L2 माइनस L1 कांस्टेंट रहे। तो ऐसा तभी होगा जब दोनों की लेंथ में चेंज डेल L1 और डेल L2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम डेल टी टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो उन दोनों की लेंथ में चेंज जो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा 1 L1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा 2 इंटू L2 इंटू डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर दोनों के लिए सेम लिया है अपन ने, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू अल्फा 2 L2 हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट जा रहा है, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर कौन सा हो रहा है डियर, थर्ड आंसर करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, द एब्सोल्यूट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 7 टाइम्स दैट द वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ ए वेसल। देखो गामा लिक्विड जो है वो कितना है, 7 टाइम्स ऑफ ए गामा वेसल। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, गामा अपेरेंट क्या हो जाएगा डियर, गामा अपेरेंट हो जाएगा गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 गामा वी माइनस गामा वेसल, तो ये कितना हो जाएगा, 6 गामा वेसल। ठीक है, तो अपने को किसका चाहिए, रेशियो एब्सोल्यूट और अपेरेंट का। तो गामा लिक्विड एक्चुअल कितना हो जाएगा, 7 गामा वी हो जाएगा, और गामा अपेरेंट कितना हो जाएगा, 6 गामा वी। गामा वी से गामा वी कैंसिल, 7 बाई क्या आ जाएगा, 6। तो रेशियो कौन सा हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा, 6 में सेकंड आंसर करेक्ट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, द कोफिशिएंट ऑफ ए लीनियर एक्सपेंशन ऑफ क्रिस्टल इन वन डायरेक्शन इज अल्फा 1 एंड दैट इन एवरी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट इज अल्फा 2,
देन कॉफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज, देखो ये एक डायरेक्शन अपन लेते हैं एक्स एक्स, ठीक है, और ये क्या हो गया वाई एक्स, और ये क्या हो गया जेड एक्स। हम ये मानते हैं कि अल्फा जो है एक्स एक्स के अलोंग वो कितना है, अल्फा वन है, ये गिवन है। अब देखो वाई एक्स और जेड एक्स दोनों एक्स एक्स के परपेंडिकुलर नहीं है क्या, तो यही बात कह रहा है कि अल्फा वन है ना, इसके परपेंडिकुलर हर एक डायरेक्शन में कितना रहेगा अल्फा टू, इसका मतलब अल्फा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा टू, और जेड एक्स जो है वो भी एक्स के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अल्फा जेड जो होगा वो भी कितना हो जाएगा अल्फा टू। तो गामा जो होगा वो क्या होता है अल्फा एक्स प्लस सी अल्फा वाई प्लस सी अल्फा जेड होता है। तो यहां से अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस सी अल्फा टू, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू, क्वेश्चन नंबर सेवन का थर्ड आंसर करेक्ट जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर एट, ए यूनिफॉर्म मेटालिक रोड रोटेट अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड इफ इट इज हीटेड यूनिफॉर्मली टू रेज इट्स टेम्परेचर स्लाइटली। देखो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म रोड है, इसको आप इससे बाइसेक्टर एक्सेस के अबाउट आप ही मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। तो देखो टॉर्क कांस्टेंट अपन टॉर्क जीरो कंसीडर कर रहे हैं, एक्सटर्नली हमने कोई टॉर्क नहीं लगाया है, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आई जो होगा वो क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, तो एल क्या हो गया आई ओमेगा होता है ना, ये क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, जब तक टॉर्क जीरो रहेगा तब तक आई क्या रहे एल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो देखो ये जब इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा क्या होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीज, तो इसके अकॉर्डिंग इट में जो क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नाइन्थ पे चलते हैं अपन। इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी। देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ की शेप की वजह से भी चेंज होता है, और हाइट पे हम जैसे जाएंगे और डेप्थ में जाएंगे तो भी चेंज होता है, लेकिन अर्थ सरफेस के ऊपर अगर अपन देखें तो एक तो साइज की वजह से डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, एक रोटेशन का इफेक्ट अपन कंसिडर करते हैं, तो रोटेशन का इफेक्ट जो है वो कहां पे नहीं होता है, पोल पे नहीं होता है, पोल पे अर्थ के रोटेशन की वजह से कोई भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसमें रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो रोटेशन स्टॉप करेगा तो ध्रुवों पर विल नॉट चेंज इट एनी पोल, पोल पे कोई चेंज नहीं होगा, बाकी जो है वो दूसरे जगह पे चेंजेज आपको मिलेंगे सरफेस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉर ए बॉडी टू एस्केप फ्रॉम अर्थ एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट विच इट शुड बी फायर्ड। देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, एस्केप वेलोसिटी जो है वो थीटा एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फोर्थ आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फोर पार्टिकल ईच ऑफ मास एम मूव अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। देखो हम क्या करते हैं, ये एक स्क्वायर कंसिडर करते हैं, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे चारों कॉर्नर पे हमने ये चार पार्टिकल कंसिडर कर लिए, ये इसका सेंटर हो गया, इस सेंटर के अबाउट आर रेडियस से के सर्कुलर पाथ पे ये चारों पार्टिकल क्या कर रहे हैं सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है वी, तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स के
रिक्वायरमेंट होगी, सेंट्रिपेटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, इस पर नेट फोर्स जो है टू आर सेंटर, वही सेंट्रिपेटल फोर्स का काम करेगा। तो यहाँ से नेट फोर्स अपन देखें तो इस पर इधर की तरफ क्या रहेगा कि सॉरी जी एम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, इधर की तरफ भी यही जी एम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, और इधर की तरफ जो रहेगा वो क्या रहेगा जी एम स्क्वायर अपॉन में, ये आर है तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इन दोनों का, तो रूट टू टाइम्स इधर की तरफ आएगा, वो कितना आएगा रूट ए टू जी एम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा जी एम अपॉन में जी एम स्क्वायर अपॉन में टू आर का स्क्वायर। तो एफ नेट कितना हो जाएगा देखो जी एम स्क्वायर अपॉन में टू आर का स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब देखो ए की वैल्यू क्या रहेगी, यहां पर देखा जाए तो इसका डायगोनल कितना होगा रूट टू ए, अगर इसकी साइड ए अपन कंसिडर करते हैं तो डायगोनल कितना हो जाएगा रूट टू इंटू ए हो जाएगा। तो यहां से देखो रूट टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू आर हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टू से रूट टू कैंसिल होगा तो रूट टू बचेगा रूट टू आर हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे और ये रूट टू टाइम्स है ना, यहां पे देखो इन दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पे है परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा रूट टू जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये जी एम स्क्वायर अपॉन में फोर आर स्क्वायर प्लस इसमें रूट टू आर रखेंगे तो टू ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट टू जी एम स्क्वायर अपॉन में टू आर स्क्वायर। आप एक काम करो जी एम स्क्वायर अपॉन में फोर आर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लो, तो यहां पे तो बचेगा वन और ये यहां पे क्या बचेगा टू रूट टू, ठीक है टू रूट टू। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये क्या हो जाएगा एफ नेट जो है नेट फोर्स वो ही किसका काम करेगा सेंट्रिपेटल फोर्स का काम करेगा, सेंट्रिपेटल फोर्स का काम करेगा। तो इसको आप जी एम स्क्वायर अपॉन में फोर आर स्क्वायर वन प्लस टू रूट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। एक आर से एक आर को कैंसिल कर दो, एक एम से एक एम को कैंसिल कर दो, रूट करेंगे तो ये रूट ऑफ जी एम अपॉन में फोर आर टू रूट टू प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आएगी तो इसके अकॉर्डिंग फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो यहां पे ये ब्रैकेट है, यहां पे ये क्या है ब्रैकेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए होल ड्रिल्ड फ्रॉम इवन सरफेस ऑफ अर्थ टू इट्स सेंटर, ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीच द सेंटर ऑफ अर्थ इन टर्म ऑफ इट्स एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो ये अर्थ है, हमने यहां पर ये क्या कर दिया ए होल ड्रिल्ड, अब यहाँ पे पार्टिकल एक कोई भी स्मॉल एम मास की कोई पार्टिकल है बॉल है, इसका इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या दिया बच्चों जीरो दे दिया। अर्थ सरफेस पे स्केप वेलोसिटी क्या रहेगी वी ई एस्केप इज इक्वल टू क्या होता है रूट टू जी एम अपॉन में आर ई रहेगा एम ई मास ऑफ अर्थ, ये इसका सेंटर है। इसको यहां से रिलीज करेंगे तो यहां पे मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई फाइनल v, तो ये v वेलोसिटी अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपने काम करते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई स्मॉल एम वाई आर ई प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या रह जाएगा जीरो प्लस सॉरी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस थ्री बाई टू जी
एम ई स्मॉल एम अपॉन में आर ई, ये सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई पार्टिकल की, प्लस हाफ ई एम वी स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी। देखो एम को कॉमन लेके अपन क्या कर देते हैं, इस एम से कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का जी एम ई अपॉन में आर ई, और ये माइनस थ्री बाई टू है, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये जी एम ई अपॉन में टू आर ई प्लस का बचेगा, ये वन बाई टू वी स्क्वायर के इक्वल हो गया। ये टू से टू कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट जी एम ई अपॉन में आर ई हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, इसको रूट टू से ऊपर और रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रूट टू जी एम ई अपॉन में आर ई ये क्या हो गया, v हो गया, तो इसको s के वेलोसिटी बोल सकते हैं, तो s के वेलोसिटी का वन बाई रूट टू टाइम्स वेलोसिटी हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है डियर, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 13, द सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्फेरिकल सेल ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज, देखो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस जी एम स्क्वायर बाई टू आर रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज ए, देखो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे यूनिट मास का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो यहाँ पे पोटेंशियल के इक्वल रहेगा, तो वी इज इक्वल टू हम जानते हैं सरफेस पे कितना होता है जी, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे ये 1 kg का मास है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो रहेगा सरफेस पे वो जी एम अपॉन में आर ही रहेगा, ठीक है। इसको क्या बताया है, ई बताया है, क्या बताया है, ई बताया है। अब देखो ये क्या कह रहा है, देन द एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी वी ई इज इक्वल टू क्या होता है डियर, रूट टू जी एम अपॉन में आर ई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टू जी एम अपॉन में आर ई को हम क्या बोल सकते हैं, ई, तो ये ई और ये स्क्वायर रूट, एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रूट टू ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में अपन चलते हैं। देखो 15 के अंदर इफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर बाय 1 mm इज 2 joule, देन वर्क नेसेसरी फॉर स्ट्रेचिंग अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, देखो सेम मटेरियल है, इसका मतलब गामा जो है वो कांस्टेंट मान लो आप, ठीक है। अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट विथ डबल रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड हाफ ऑफ लेंथ बाई 1 mm, देखो एलोंगेशन जो है इनकी अंदर डेल एल चेंज इन लेंथ जो है दोनों में क्या है, सेम है, तो यहां पर हम यू कह सकते हैं कि वर्क डन जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्स के, सही बात है कि नहीं है। तो देखो गामा इज इक्वल टू क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एफ बाई ए और डेल एल बाई एल, ठीक है। तो यहां से हम गामा डेल एल वाई एल इंटू ए जो है ऊपर आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखो गामा कांस्टेंट है और डेल एल कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और लेंथ के, यानी कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा रेडियस के स्क्वायर और बाई लेंथ कर देंगे अपन, तो वर्क डन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब डब्लू वन बाई डब्लू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन अपॉन में आर टू का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, एल टू अपॉन में एल वन का स्क्वायर, ठीक है। तो आर वन कितना है, डबल रेडियस है, तो ये आर और ये क्या हो जाएगा, टू आर, इसका स्क्वायर कर देंगे, और L क्या है, हाफ ऑफ लेंथ,
एल टू कितना है, एल बाई टू और ये एल, ठीक है, ये सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये स्क्वायर बाई गलती से लिखा, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वन बाई टू का स्क्वायर फोर और ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू, वन बाई फोर इंटू वन बाई टू कितना हो जाएगा, वन बाई एट हो जाएगा, वन बाई एट इधर आ जाएगा, तो डब्ल्यू टू यहां से क्या आ रहा है डियर, डब्ल्यू टू जो है वो एट इंटू डब्ल्यू वन आ रहा है, तो एट इंटू टू जूल कितना हो जाएगा, 16 जूल अपना आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा, सेकंड आंसर करेक्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड आंसर अपन करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16। ए यूनिफॉर्म स्टील रोड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ एल इज सस्पेंडेड so that it hang vertically the stress at the middle point of road। देखो ये रोड है, इसके इस मिडिल पॉइंट पे आपको स्ट्रेस देखना है, तो यहां पे सपोज दैट इस पॉइंट पे अपने ये कंसिडर करते हैं कि टेंशन कितना है, टी है, तो वो टी किसके इक्वल होगा, इतने जो एल बाई टू लेंथ का जो रोड है इसके वेट के इक्वल रहेगा, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M बाई टू इंटू जी हो जाएगा, इसके वेट के इक्वल कर दिया आधे लेंथ के रोड के, तो T मास क्या हो जाएगा, रो डेंसिटी इंटू A क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ L बाई क्या कर देंगे, 2 इंटू जी हो जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टेंशन बाई क्रॉस सेक्शन एरिया A, तो ए से ए क्या कर देंगे कैंसिल, वन बाई टू रो एल क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो वन बाई टू रो एल जी, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर अपना करेक्ट जा रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एलोंगेशन ऑफ ए स्टील बार 1 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया when subjected to a pull of 1.5 × 10⁴ N, गामा की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो देखो गामा की डेफिनेशन से हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एफ बाई एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ डेल एल, तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा डेल एल बाई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई ए इंटू गामा, ठीक है, ये L इधर आ जाएगा, तो डेल L इज इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू L A इंटू गामा। देखो चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन कितना आ जाएगा, फोर्स, फोर्स कितना है 1.5 × 10⁴ इंटू लेंथ कितनी है 1 मीटर अपॉन में, एरिया कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10⁻⁴ मीटर² हो जाएगा, इंटू गामा की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻¹¹। तो देखो 1.5 से 1.5 कैंसिल, ये पावर माइनस 4 से ये प्लस का पावर 4 7 बचेगा, और ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग 1/2 × 10⁻³ हो गया। 1/2 को मतलब हम 0.5 रख सकते हैं इंटू 10⁻³ मीटर आ रहा है, तो देखो माइनस 3 को हम क्या रख सकते हैं, mm, तो ये 0.5 mm आ जाएगा, कितना है 0.5 mm, तो इसके अकॉर्डिंग अपना 17th का कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है डियर, 17th में अपन फर्स्ट आंसर करेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th पे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 18, टू वायर ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, द वायर ए हैज ए लेंथ एल एंड डायमीटर आर, वायर वाइल द वायर बी लेंथ 2L एंड डायमीटर R बाई 2, इफ टू वायर आर स्ट्रेच बाई सेम फोर्स एलोंगेशन इन A डिवाइडेड बाई B। तो अभी देखो हमने देखा दोनों वायर हैं, दोनों को सेम फोर्स से स्ट्रेच कर रहे हैं, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन में A बाई डेल L बाई L, डेल L को इधर ले लो आप, डेल एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल बाई ए इंटू गामा।
देखो फोर्स क्या है, सेम है, और गामा भी क्या है, कांस्टेंट है, सेम मटेरियल है, इसका मतलब गामा सेम हो जाएगा। वायर है, एक ही लेंथ अलग दे रखी है, रेडियस दे रखी है, इसकी लेंथ और रेडियस दे रखी है, सेम फोर्स, तो फोर्स भी कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल वाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां से ए और बी के चेंज इन लेंथ का रेशियो देखना है, डेल एल ए बाई डेल एल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए अपॉन में लेंथ ऑफ बी इंटू रेडियस ऑफ ए बी अपॉन में रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर कर देंगे। तो लेंथ ऑफ ए कितना है, एल बाई टू एल इंटू ये रेडियस क्या है, आर बाई टू, तो आर बाई टू अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे, एल से एल कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू इंटू वन बाई फोर, इसका मतलब क्या आ जाएगा, वन बाई एट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा डियर, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएसएम इज 1/4, देखो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है एम्पलीट्यूड की 1/4 दे रखी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी ई जो होती है पार्टिकल की वो क्या होती है, 1/2 के ए स्क्वायर होती है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, के इज इक्वल टू के बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। एक्स की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के बाई टू ए स्क्वायर बाई फोर का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा, के बाई टू 15 ए स्क्वायर बाई 16, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/16 के ए स्क्वायर बाई 2, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ई, ई नीचे आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का कितना टाइम्स है, 15/16 टाइम्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 अपन देखते हैं, देखो 19 का सेकंड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, इफ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून इज दिस देन रेडियस ऑफ मून इन टर्म्स ऑफ आर ई विल बी, देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी और रेडियस के। ठीक है, तो यहाँ से जी मून बाई जी अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो मून बाई रो अर्थ इंटू रो आर एम मून बाई रेडियस ऑफ अर्थ। देखो जी मून कितना है, जी बाई सिक्स, और अर्थ पे क्या है, जी इज इक्वल टू मून बाई अर्थ का डेंसिटी क्या है, 3/5 इंटू रेडियस ऑफ मून बाई रेडियस ऑफ अर्थ, जी से जी कैंसिल हो जाएगा 1/6, और ये 5 इधर आएगा और ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18, और इंटू आर ई, आर इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून 5/18 टाइम्स रहेगा रेडियस ऑफ अर्थ के, तो 5/18 मतलब फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएसएम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस, ये एसएसएम की इक्वेशन दे रखी है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 1.5। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू 5 कॉस 2πt प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 5 cos 2π इंटू 3/2, t की वैल्यू 1.5 सेकंड है ना, 3/2 प्लस π
पाई बाई 4। तो यहां से हम देखें तो 3 × 2 5 cos 6 से ये क्या है 6 से 5/2 प्लस 5/4 तो ये क्या हो जाएगा 5 × 6/2 प्लस 5/4। इसका मतलब ये कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कोस 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 × 5/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। ठीक है, तो रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5√2/2 तो माइनस का माइनस 2.5 × 1.4। ठीक है, 1 इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो 2.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है थर्ड। अब देखो x अपन ने कैलकुलेट कर लिया तो माइनस का 3.54 मीटर एक ही ऑप्शन में है डिस्प्लेसमेंट, वो थर्ड में हो रहा है तो एक्सेलरेशन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। और अगर चेक करो तो इसका दो बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा, t की वैल्यू पुट करना अपना आंसर आ जाएगा, तो अपना थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 पे अपन चलते हैं। 22 क्या कह रहा है, ए ट्रॉली ऑफ मास m इज इक्वल टू 3 kg शोन इन फिगर कनेक्टेड बाई 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग ईच ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 600 Nm/m। इफ द ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन बाई 5 cm रिलीज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रॉली इज। देखो आपने कितना डिस्प्लेस्ड किया 5, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई ना, तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहां पर देखा जाए तो k इक्विवेलेंट इसका रहेगा 2k। ठीक है, तो v मैक्सिमम क्या होता है बच्चों, a इंटू ओमेगा होता है, तो a कितना हो गया 5 cm, तो 5 × 10⁻²। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है रूट ऑफ के वाई एम। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट और तो ये क्या हो जाएगा 5 × 10⁻²। के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 × k, k कितना है 600, तो 600 हो गया, सॉरी 600 बाई एम मास कितना है 3 kg, तो 3 से ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 × 2 400 का कितना आ जाएगा 20 × 5 × 10⁻²। तो ये कितना हो जाएगा 100 मतलब 1, तो 1 m/s आएगा आंसर, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड आंसर करेक्ट जा रहा है। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। टू पेंडुलम डिफर इन लेंथ बाय 22 cm, दे ऑसिलेट एट सेम प्लेस सो दैट वन ऑफ देम मेक्स 30 ऑसिलेशन एंड द अदर मेक्स 36 ऑसिलेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ पेंडुलम। देखो दोनों की लेंथ का डिफरेंस L1 − L2 कितना दे रखा है 22 cm दे रखा है, और टाइम पीरियड क्या होता है डियर, T = 2π√LG होता है। ठीक है, यहां से हम बात करें टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, √L के। ठीक है, अगर अपन बात करें टाइम पीरियड T1/T2 तो वो किसके रहेगा, फ्रीक्वेंसी के इनवर्स के इक्वल, तो फ्रीक्वेंसी क्या है नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन सेम टाइम N2/N1 हो जाएगा। ठीक है, तो N2 कितना है 36/30, तो ये कितना हो जाएगा 6 से कैंसिल 6/5 आ जाएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब टी वन बाई टी टू हम क्या रख सकते हैं, रूट एल वन बाई एल टू, तो रूट एल वन बाई एल टू कितना है, 6/5 है, तो यहाँ से एल वन बाई एल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 36/25, ठीक है, तो ये 36/25 के रेशियो में रहेगा और इनका डिफरेंस कितना है, 22 का है। तो अब देखो इन, या तो अपन एक काम करते हैं, L1 की वैल्यू 36/25 L2 यहाँ पे पुट करो और सॉल्व कर लो, या फिर देखो अपन डायरेक्ट आंसर से मैच कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 22, और इन दोनों का रेशियो देखो 36/25 आ रहा है, तो आई थिंक परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 अपन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द पिस्टन इन सिलेंडर हेड ऑफ ए लोकोमोटिव हैज ए स्ट्रोक ऑफ 6 meters, इफ द पिस्टन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है आपको कितना, 200 रेडियन पर मीटर मिनट दे रखी है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड आपको बतानी है, तो पिस्टन का स्ट्रोक जो है वो कितना है, 6 meters है, तो देखो ये टोटल स्ट्रोक हो गया, ये 2a के इक्वल रहेगा, वो कितना है, 6 meters है, स्ट्रोक जो है वो ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड के रहेगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 meters हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 meters, और ओमेगा की वैल्यू है ही हमारे पास, तो वी मैक्स कितना होता है डियर, वी मैक्स होता है ए ओमेगा, ए ओमेगा ए कितना है, 3 × ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 200/60 करेंगे, रेडियन पर सेकंड में आ गए, 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 meters per second आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है डियर, सेकेंड आंसर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 अपन देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ मास m व्हेन डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन देन रिलीज फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर। तो देखो अपन एक काम करते हैं, k इक्विवेलेंट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर एक काम करो इसको पहले इक्विलिब्रियम के अंदर देखे, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, इनिशियली जो है स्प्रिंग के अंदर वो एक्सटेंशन कितना है, L एक्सटेंशन है, L एक्सटेंशन है, तो ये स्प्रिंग इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, kx, तो टेंशन जो रहेगा वो kx के इक्वल रहेगा, तो 2t ऊपर की तरफ हो गया, तो 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t × 2 mg, और 2t की वैल्यू क्या रखेंगे, k × 2L इज इक्वल टू क्या हो गया, mg, तो ये 4KL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में स्प्रिंग के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 2L पहले से था प्लस 2x और हो जाएगा। ठीक है, तो अब टेंशन जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, k × 2L प्लस 2x, ये टेंशन हो जाएगा। तो अब इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ क्या था, mg फोर्स था, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, 2 × t·, ठीक है, ये t·, हो गया ना टेंशन, तो अब नेट फोर्स इसका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, F net इज इक्वल टू हम रखेंगे 2 t·, माइनस mg, 2 t·, की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 kL × 2 कितना हो जाएगा, 4 k × L प्लस 4 k × x माइनस mg की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 kL, तो देखो ये 4 kL आ गया, 4 kL से 4 kL कैंसिल हो गया, तो 4 kL, देखो 4 kL से 4 kL कैंसिल हो गया, तो नेट क्या बचा, F net हो गया हमारे पास 4 kx, इसको हम k इक्विवेलेंट से कंपेयर करें तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई डियर, k इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 4k, ठीक है, तो 4k की वैल्यू हम t इज इक्वल टू
टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें, 2πm/k इक्विवेलेंट, इसके अंदर के इक्विवेलेंट की 4 के वैल्यू रखेंगे तो m अपॉन में 4k कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर कौन सा करेक्ट हो रहा है, थर्ड आंसर करेक्ट हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, टू ब्लॉक ईच ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एज शोन इन figure, if the block are displaced slightly in opposite direction and release, they will execute SHM. The period of SHM kya ho jayega, t is equal to 2π√μ/k. yahan pe mu kya hai, reduced mass hai, to reduced mass kya hota hai, m1 plus m2 ho jayega. to ye m into m, m square by 2m, ek m se ek m cancel ho jayega, to ye kya ho gaya, m by 2. theek hai, to yahan m by 2 rakhenge to ye k, to t is equal to 2π√3m/k, इसके अकॉर्डिंग सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या कह रहा है, ए वाइब्रेटरी मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस 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 दिस, ये चार SHM का सुपरपोजिशन है। तो देखो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखते हैं अपन, तो ये 2k कहां पे है, 2a है जीरो फेज पे, ये लो 2a हो गया। फिर पाई बाय टू पे कितना है, ए, ये लो ए हो गया। फिर पाई फेज पे कितना है आगे, ए। फिर ये कितना है, 3π/2 आगे है, इसका मतलब ए बाई टू इधर की तरफ। देखो ए में से ए बाई टू जाएगा तो इधर की तरफ कितना बचेगा, ए बाई टू बचेगा। 2a में से ए कैंसिल हो जाएगा, इधर की तरफ क्या बचेगा, ए। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा इधर की तरफ, तो ए नेट कितना हो जाएगा, ए नेट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर। ये क्या हो जाएगा, 5a² / 4, इसका रूट करेंगे तो ये रूट 5a/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट 5a/2। इसका आंसर कौन सा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 27 का कौन सा आ रहा है, सेकंड आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, द एक्सटी ग्राफ ऑफ पार्टिकल अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन एज शोन इन फिगर। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 4/3 सेकंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन चाहिए। देखो यहाँ पे एक्स टी कर्व दे रखा है, तो एम्पलीट्यूड कितना है, ए की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, क्लियर। और टाइम पीरियड एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ना, तो टाइम पीरियड कितना हो गया डियर, 8 सेकंड हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर अपन देखें ए मैक्स, सॉरी एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू क्या होता है, -ω² × x, नहीं होता है क्या, हाँ है ना। तो x क्या रहेगा वो देखना है, तो x के लिए ये ग्राफ जो है वो किसका इक्वेशन है, साइन का इक्वेशन रहेगा ये, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा t हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और साइन ओमेगा 2π/t, t क्या है 8, इंटू क्या, t की वैल्यू कितनी, कितने टाइम पे, 4/3, तो 4/3 रख देंगे, 4 से ये 4 कैंसिल, 5/3, 5/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्लियर। x की वैल्यू आ गई, तो ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू -ω² मतलब 2π/t, 8 का स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 1 2 कैंसिल, और ये 64 32, तो माइनस का π² / 32 इंटू √3 आ जाएगा, ये cm/s² के अंदर आंसर आएगा। तो -π² √3 ये 32 कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है, 28 में फोर्थ आंसर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं अपन। 29 में क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑफ ए मास 1 kg इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द सेंटर एंड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 3 मीटर। द वर्क डन टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 4 मीटर टू 3√3। देखो ये एक यूनिफॉर्म रिंग है, इसकी रेडियस कितनी है,
आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 मीटर दे रखी है, और मास इसका कितना दे रखा है 5 kg। ठीक है, ये एक्स, इसका एक्सेस हो गया। इस एक्सेस के ऊपर सबसे पहले ये कितने पे दे रखा था, 4 मीटर पे दे रखा था। ठीक है, और फिर यहां से कितने डिस्टेंस पे इसको, ये आर वन डिस्टेंस थी, ये कितना हो गया आर टू डिस्टेंस पे 3√3 पे आपने शिफ्ट कर दिया कितने मास को, 1 kg को। तो 1 kg को यहां से यहां तक शिफ्ट करने में जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यूनिट मास की किसके इक्वल रहेगी, पोटेंशियल के इक्वल ही रहेगी। तो यहां से अगर अपन देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल कैसे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल अपन कर देंगे। तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 3√3 का स्क्वायर, ऐसा ही करेंगे। फाइनल पोजीशन आर टू रखेंगे ना अपन, और ये माइनस, और ये फिर माइनस वी जी एम अपॉन में रूट ऑफ 3² + 4² ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये जी एम बाई ये 9 × 3 27 + 9 कितना हो गया 36√6, तो ये माइनस का जी एम बाई 6 और ये प्लस का जी एम बाई 5। अपन एक काम करते हैं 30 LCM ले लेते हैं, 30 LCM लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 5 GM और ये प्लस का 6 GM। ठीक है, तो ये जी एम बाई 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा वर्क डन जी एम बाई 30। ठीक है, तो G की वैल्यू अपन कितना रखेंगे, 6.6 × 10⁻¹⁵ × 5/6 अपन करेंगे, तो 30 है ये, तो 30 को ये कैंसिल कर देंगे 6 × 6 से, इससे कैंसिल करेंगे 1.1 आ जाएगा। तो 1.1 × 10⁻¹⁰ जूल अपना आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 29 में सेकंड आंसर करेक्ट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। टू पार्टिकल अंडरगोज SHM अलोंग पैरेलल लाइन विद द सेम टाइम पीरियड T एंड इक्वल एम्पलीट्यूड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, वन पार्टिकल इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन व्हाइल अदर इज एट इट्स मीन पोजीशन, दे मूव इन सेम डायरेक्शन, दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर ए फर्दर टाइम। देखो अपन एक काम करते हैं, एम्पलीट्यूड A क्या रेडियस का एक सर्कुलर ट्रेक कंसिडर करते हैं, फिजर डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। तो एक पीक पोजीशन पे है, ये लो यहाँ पे पीक पोजीशन हो गया, और ये एक दूसरा कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये कहाँ पे हो गया, इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, मीन पोजीशन पे। ये इधर की तरफ जा रहा है, बी पार्टिकल है, और ये कितना है मान लो ए पार्टिकल है। ठीक, अब देखो ये दोनों कब मिलेंगे, एक पार्टिकल यहाँ पे है और दूसरा पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इधर जा रहा है ऐसे, और ये किधर जा रहा है, इधर की तरफ, ये ए यहाँ पे आ गया और बी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ये क्या रहेगा ए रहेगा और ये क्या रहेगा ए, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर अपन देखें ये एंगल और ये एंगल कितना रहेगा, इक्वल रहेगा, और कितना रहेगा 45 रहेगा, कितना रहेगा 45, और ये कितना रहेगा, ये भी 45। अब दोनों यहां पे इस पोजीशन पे मिल रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर अपन देखें इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, ये पाई बाई 2 हो गया, और ये कितना हो गया पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3π/4, इस ए का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 3π/4, और बी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना हो जाएगा 3π/4। तो इसमें कितना टाइम, थीटा अपॉन में टी
ओमेगा अपन करेंगे तो थीटा कितना है, 3π/4 अपॉन में ओमेगा क्या हो जाएगा, 2π अपॉन में टी, तो टी ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 3t/8 टाइम लगेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड आंसर अपना करेक्ट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, द पार्टिकल ऑफ एम्पलीट्यूड एक्सिक्यूटिंग SHM विथ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज इज 0.01 एम्पलीट्यूड, एक की वैल्यू कितनी है 0.01 मीटर है और फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू क्या है 60 हर्ट्ज दे रखे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π f, तो ये कितना हो जाएगा, टू पाई इंटू एफ 60, 120π हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ए मैक्स कितना हो जाएगा, ए मैक्स होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा कितना हो जाएगा 120 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू ए कितना है 0.01, तो ये कितना हो जाएगा 120 into 120 pi square into 0.01, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये दोनों जीरो कैंसिल, 144 pi square अपना आंसर आ जाएगा, तो 144 pi square के अकॉर्डिंग अपना कौन सा आंसर, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो रहा है, तो 31 में कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 अपन देखते हैं, ए सिंपल हार्मोनिक की ऑसिलेटरी मोशन has a amplitude a, time period t, the time required by it to travel from x is equal to a to a by 2, x is equal to a से a by 2 तक अपना time कितना होता है t/6, तो इसके according अपना answer कौन सा हो जाएगा, first answer correct हो जाएगा। next, हाँ तो बच्चों next question number 23 अपन देखते हैं, देखो two simple harmonic motion y1 अपने पास दे रखा है और y2 अपने पास दे रखा है, तो वेलोसिटी v1 क्या हो जाएगा dy1/dt हो जाएगा और v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy2/dt हो जाएगा। हमने v1 और v2 वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली डिफरेंशिएट करके और t की वैल्यू हम 2 सेकंड अगर पुट करेंगे तो दोनों का फेस डिफरेंस अपने पास कैलकुलेट करना है, तो 5 वेलोसिटी किसका 1 का माइनस 5 वेलोसिटी का किसके लिए 2 के लिए, ये चेंज इन फेज डिफरेंस डेल फाई आएगा जो कि कितना आएगा -π/6 आएगा। ठीक है, तो इसको आप थर्ड आंसर करेक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे अपन चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, ए सिंपल पेंडुलम विथ ए ब्रास बॉब हैज ए टाइम पीरियड टी, बॉब इज नाउ इमर्ज इन नॉन विस्कस लिक्विड एंड ऑसिलेट इन इट, तो देखो T is directly proportional क्या होता है 1/√g, तो g effective कितना हो जाएगा, g effective हो जाएगा g-g/10, जब लिक्विड के अंदर इमर्स्ड करेंगे तो बॉब पे देखो नीचे की तरफ mg लग रहा है, इसके ऊपर अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा v into rho liquid into g, तो ये कितना हो जाएगा mg/10। ठीक है, डेंसिटी लिक्विड की कितनी है 1/10 है। ठीक है, तो एक्चुअली यहां पे जी इफेक्टिव जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव आ जाएगा 9g/10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से t/t' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √9g/10 अपॉन में √g कैंसिल हो जाएगा, t' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √10/9 into t आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है, थर्ड आंसर करेक्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर थर्ड आंसर करेक्ट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या रहेगा 1/k इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/k + 1/2k + 1/4
फोर के प्लस वन बाई एट के एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो आप एक काम करो, वन बाई के एल कॉमन ले लो, तो ये वन बाई वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर आ जाएगा, प्लस वन बाई एट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट, ये क्या है, जीपी है ना, तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, ए अपॉन में वन माइनस आर, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी ए अपॉन में वन माइनस आर। तो r की वैल्यू क्या रहेगी, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो 1 बाई टू में 1 से डिवाइड करेंगे 1 बाई टू आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, k इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 बाई के इंटू वन अपॉन में 1 माइनस 1 बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, 12 से हम लेंगे तो 1 बाई टू, टू ऊपर आ जाएगा, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k बाई टू हो जाएगी। तो अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ m बाई के इक्विवेलेंट, k इक्विवेलेंट क्या रखेंगे, के बाई टू, टू एम बाई के आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना 35 में कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 अपन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, देखो x इज इक्वल टू, ये इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फाइव रूट टू साइन टू पाई टी प्लस फाइव रूट टू कॉस टू पाई टी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट क्या रहेगा, इन इट रूट ऑफ एक्स ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव रूट टू का स्क्वायर 50 प्लस 50 का रूट करेंगे 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 10 फर्स्ट आंसर करेक्ट हो रहा है। तो 36 में कौन सा आंसर हो रहा है बच्चे, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SSM इज दिस। देखो a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यू कैन से x का जो बिहेवियर है वैसा ही रहेगा, केवल पाई का फेज डिफरेंस होता है, पाई का फेज डिफरेंस रहेगा, इसका मतलब नेगेटिव से स्टार्ट हो जाएगा, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, फिर देखो 38, ये ax कर्व दे रखा है, ये कितना हो जाएगा थीटा, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x नहीं होता है क्या, तो इसका स्लोप जो होता है m इज इक्वल टू वो माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, तो m कितना है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये 45 है, इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू 135 होगी, तो टेन थीटा 135 की वैल्यू माइनस वन, मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू वन आ गई, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टू पाई रूट ऑफ सॉरी टू पाई अपॉन में ओमेगा, तो टू पाई अपॉन में वन करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू टू पाई सेकेंड आंसर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है, 38 में फोर्थ आंसर करेक्ट हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं अपन, देखो 39 क्या कह रहा है, ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, देखो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, तो यहां पर देखो इसको इधर की तरफ एक्स डिस्प्लेस्ड करते हैं, तो इसकी वजह से इधर की तरफ इक्विलिब्रियम पोजीशन से एडिशनल फोर्स क्या रहेगा, के एक्स, और इसका भी इधर की तरफ के एक्स आएगा, तो वास्तव में देखा जाए तो यहां पे के इक्विवेलेंट क्या रहेगा, टू के रहेगा, टू के रहेगा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पाई रूट ऑफ एम बाई टू के। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो रहा है, तो 39 में फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्टी, ए बॉडी परफॉर्म SHM इट्स काइनेटिक एनर्जी के वेरीज एज टाइम टी, तो काइनेटिक एनर्जी और टाइम के साथ ग्राफ कैसा रहेगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम, करेक्ट है, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट, रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखो ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो यहां से मीन पोजीशन पे अगर देखें तो एक्स मीन पोजीशन पे जीरो होता है, तो ए क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जबकि इसमें क्या बोला गया है,
एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये आंसर क्या है, ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 41 में अपना कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 अपन देखते हैं। इफ एस इज स्ट्रेस एंड वाई इज यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर, देन एनर्जी स्टोर्ड इन वायर पर यूनिट वॉल्यूम। देखो एनर्जी डेंसिटी का ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो अपना आंसर फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या हो जाएगा, इट द हाइट एच अबाउ सरफेस ऑफ अर्थ चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी इज सेम इज द डेप्थ एक्स बिलो द सर्फेस, एक्स एंड एच आर रिलेटेड एज जी। तो 43 के अंदर देखें तो एक्स जो है वो 2h के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अपना आंसर डायरेक्ट अपन रख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 अपन देखते हैं। देखो द हाइट अबाउ द सर्फेस ऑफ अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 1/4 दैट ऑफ सर्फेस ऑफ अर्थ। तो जी एच हाइट पे क्या रहेगा, जी एच हाइट पे रहेगा जी अपॉन में 1+h/r। तो एच हाइट पे कितना हो गया, g/4 इज इक्वल टू जी अपॉन में 1+h/r का स्क्वायर। ठीक है, जी से जी क्या हो गया कैंसिल, 1+h/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, दोनों तरफ क्या कर दो रूट कर दो, तो 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी h/r, ये 1 नहीं है h है। ठीक है, तो h/r 1 हो गया, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर 44 में कौन सा आंसर करेक्ट जा रहा है डियर, 44 में फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे अपन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी ऑफ मास m टू ए हाइट h इज इक्वल टू 3r अबाउ द सरफेस ऑफ, देखो वर्क डन किसके इक्वल रहेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच अपॉन में 1+h/r। तो ये क्या हो जाएगा, एम जी इंटू 3r अपॉन में 3r, 1+3r अपॉन में r, r से r कैंसिल हो गया, ये 1+3 कितना हो जाएगा 4, तो 3/4 एम जी आर, तो 3/4 एम जी आर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। भाई वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे एम जी एच ही लगाते हैं, एम जी एच चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तब लगाते हैं जब एच की वैल्यू छोटी होती है, ठीक है, वेरी स्मॉल होती है तब। तो इसके अकॉर्डिंग अपना थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में अपन चलते हैं। ऑन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट इट्स स्पीड, देखो ये अर्थ है, इसके अराउंड ये इलेप्टिकल पाथ पे एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वड होता है, एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो v इंटू आर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, 1/r रहेगा। तो जब r कम रहेगा उस कंडीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, तो मैक्सिमम एट इट्स स्पीड इज मैक्सिमम एट नियरेस्ट पॉइंट, सेम एट ऑल पॉइंट ये गलत हो जाएगा, द मैक्सिमम एट द पॉइंट फॉरेस्ट, नहीं r ज्यादा रहेगा तो v कम रहेगा, मैक्सिमम एट द पॉइंट नियरेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अपना 46 में कौन सा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 46 में थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं अपन। द डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू दैट इट इज सरफेस ऑफ अर्थ, इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज आर देन रेडियस ऑफ प्लैनेट विल बी। देखो सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी और रेडियस के। तो जी अर्थ बाई जी प्लैनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो अर्थ बाई रो
प्लैनेट इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ प्लैनेट, करेक्ट। अर्थ के सरफेस पे जी है और जी प्लैनेट अपने को देखना है। नो दोनों पे क्या है, प्लैनेट। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये भी क्या है, जी ही है, इज इक्वल टू। द डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ अर्थ, अर्थ की ट्वाइस है, तो ये कितना हो जाएगा, ये रो ई है और ये कितना हो जाएगा, टू इंटू रो ई हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये कैंसिल हो जाएगा और ये जी से जी कैंसिल हो गया, वन बचा, आर पी इधर आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ बाई टू हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर 47 में कौन सा आंसर करेक्ट जा रहा है, फोर्थ आंसर करेक्ट जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं अपन। ए पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी, द पीरियड ऑफ अनोदर सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 आर इज, देखो टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन में वी, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें तो 2 पाई आर अपॉन में ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, रूट ऑफ जी एम अपॉन में आर, ये आर, तो आर की पावर रूट 3/2 हो जाएगा, तो आर की पावर रूट 3/2 हो जाएगा, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, आर की पावर रूट 3/2, तो टी वन अपॉन में टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन में 4 आर की पावर 3/2, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो 4 की पावर 3/2 इंटू टी वन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू टी वन, टी वन कितना है, 8t हो जाएगा, तो 8t अपना कौन सा आंसर, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 48 में कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है, थर्ड आंसर करेक्ट हो रहा है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। द डायमीटर ऑफ टू प्लैनेट आर इन रेशियो ऑफ 4/1, देयर मीन डेंसिटी है 1:2, द रेशियो ऑफ जी ऑन द प्लैनेट विल बी, तो देखो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो इंटू आर के, तो यहाँ से अगर अपन देखें g1/g2 इज इक्वल टू ρ1/ρ2 इंटू r1/r2, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर का जो रेशियो रहेगा वो ही रेडियस का रेशियो रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, g1/g2 इज इक्वल टू, और डेंसिटी का रेशियो क्या है, 1/2, तो 1/2 इंटू 4/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/1 इसका रेशियो आएगा, तो 2/1 मतलब थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 अपन देखते हैं, देखो 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो देखना है। इट डिक्रीज विथ द हाइट अबाउ द सरफेस, ये बिल्कुल करेक्ट है, सरफेस से एच हाइट पे जाएंगे तो सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, करेक्ट है। और इसके अकॉर्डिंग सेकंड को देखते हैं, इट इंक्रीज एज वी गो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, सरफेस से हम सेंटर की तरफ जाएंगे तो जी क्या रहेगा, डिक्रीज होगा और सेंटर पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जबकि इसने क्या बोला, इंक्रीज एज गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सरफेस से केंद्र की तरफ जाने पर घटता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट इज मैक्सिमम एट पोल, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इंक्रीज एज वी गो टुवर्ड्स पोल फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो इंक्रीज होता है, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो रॉन्ग स्टेटमेंट अपना सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे अपन चलते हैं। देखो 51 क्या बोल रहा है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सर्फिस ऑफ अर्थ इज वी, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सर्फिस ऑफ ए प्लानिट हुज मास एंड रेडियस आर थ्री टाइम्स दोज ऑफ अर्थ विल बी। देखो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ऑफ एम बाई आर होता है, ठीक है। तो मास को थ्री टाइम्स करेंगे और रेडियस को भी थ्री टाइम्स करेंगे, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब वी ई डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई वी ई, तो ये के तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे के, ये क्या हो जाएगा 3m बाई 3 आर ई, और ये भी रूट एम बाई आर ई, तो यहाँ से ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या रहेगा रेशियो 1/1 आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट 51 के अंदर कौन सा आंसर करेक्ट जा रहा है, 51 के अंदर फर्स्ट आंसर करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 अपन देखते हैं। देखो इन द गिवन फिगर L इज इक्वल टू 1 मीटर इफ टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 4 kg इज M1 एंड 2 kg मास इज F2, देन रेशियो ऑफ F1 एंड F2। देखो इससे 1 की वजह से इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको अपन एक बार इरेज करते हैं, इसकी वजह से इधर की तरफ फोर्स लगेगा, वो लगेगा जी इंटू 4 इंटू 1 बाई ये L है, L रूट टू एल मतलब रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे 4g/2, तो ये कितना हो जाएगा 2g हो जाएगा, क्लियर। इसकी वजह से इधर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो क्या रहेगा, दोनों का मास देखो सेम है, डिस्टेंस भी क्या रहेगी रूट टू एल, ये डिस्टेंस रूट टू एल नहीं हो जाएगी कि एल की वैल्यू 1 मीटर रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2g इधर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एल और ये एल, ये सेम है और ये भी सेम है, इसका मतलब ये 45 और ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो 45 रहेगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट इन दोनों का क्या हो जाएगा 2√2g हो जाएगा, ठीक है। और इसका इधर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेगा, प्लस जी इंटू 4 × 2 अपॉन में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से ये क्या हो जाएगा 4 कैंसिल 2g, तो ये कितना हो जाएगा 2 into g बाहर आ गया, तो 2g कॉमन लेंगे तो ये √2 + 1 आ जाएगा, ये क्या आ गया F1 आ गया, किस पे 4 kg पे, 2 kg पे क्या हो जाएगा इधर की तरफ ये फोर्स हो जाएगा g × 4/2 × 2/2 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2g हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से इधर की तरफ क्या लगेगा 2 × g × 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये g हो जाएगा, और इस पे इधर की तरफ भी क्या रहेगा g, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ क्या आ जाएगा √2 × g आ जाएगा, तो इसका नेट फोर्स इधर की तरफ F2 जो आएगा वो कितना हो जाएगा 2g + √g, तो यहाँ से अपन √2 × g, g कॉमन लेंगे तो अंदर क्या √2g कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा √2 + 1, तो F1/F2 का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कितना आ जाएगा √2 + 1 से √2 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2g/√2g, जी से जी कैंसिल, ये क्या आ जाएगा √2 √2, मतलब थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है, थर्ड आंसर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज वाई, इफ द लेंथ ऑफ लेंथ इज रिड्यूस्ड टू L/2 एंड रेडियस इज R/2, देन यंग्स मॉडुलस विल बी सेम रहेगा वाई,
देखो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 अपन देखते हैं। सपोज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, इफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन सच ए केस वेरी एज nth पावर ऑफ डिस्टेंस, देन देखो ये क्या है, अर्थ है, और अर्थ से r डिस्टेंस पे ये क्या है, सैटेलाइट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इस पार्टिकल का जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा एफ ग्रेविटेशनल, वो ही किसका काम करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स का। तो एफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी अपन बता देंगे, तो ये क्या हो जाएगा के बाई आर, और ये क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर जीरो पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर कौन सा दे देंगे, सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 अपन देखते हैं। थ्री पार्टिकल इच ऑफ मास एम आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल, व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑन अनदर पार्टिकल ऑफ मास एम प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड। देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके ऊपर तीनों वर्टेक्स पे तीन एम मास रखे हुए हैं, ये एम, ये भी एम, और ये भी क्या हो जाएगा एम, इसके मिड पॉइंट पे ये स्मॉल एम मास रखा, इसकी वजह से इधर की तरफ और इसकी वजह से इधर की तरफ फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी वजह से जो फोर्स रहेगा वो नेट फोर्स अपने को देखना है। ठीक है, तो इसको ये अट्रैक्ट इधर कर रहा है, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि डिस्टेंस क्या रहेगी सेम, मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम है, तो इसकी वजह से कितना फोर्स रहेगा, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर इसकी लेंथ एल है तो ये जो डिस्टेंस रहेगी वो रूट थ्री एल बाई टू रहेगी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में रूट थ्री एल बाई टू का स्क्वायर कर देंगे, तो ये फोर आ जाएगा, फोर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में थ्री एल स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द वेट ऑफ ए बॉडी एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज u, वेयर r इज ग्रेटर देन r, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। देखो ये अर्थ है, इसके सेंटर से ये r डिस्टेंस पे यहाँ पे m मास की कोई बॉडी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, जी एम स्मॉल m अपॉन में r रहेगी। ठीक है, U का पोटेंशियल, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इंटू आर अपॉन में जी एम, नेगेटिव रहेगा लेकिन इसको अपने एक बार के लिए मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे 2r डिस्टेंस पे यहां पर वेट क्या रहेगा, W इज इक्वल टू क्या रहेगा, एम इंटू जी, यहां पे 2r डिस्टेंस पे, तो ये m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू आर अपॉन में जी एम, और ये क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन में 2r का स्क्वायर, तो ये जी एम से जी एम क्या, यू वाई 4r हो जाएगा, यू वाई क्या आ जाएगा 4r, तो थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 56 के अंदर कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है, थर्ड आंसर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इफ ए वायर इज लोडेड बाई एम जी। देखो एफ मैक्सिमम कितना लगाया आपने, एम जी, और इंक्रीज इन लेंथ डेल एल की वैल्यू कितनी है, एल दे रखी है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ इंटू डेल एल बाई टू हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एम जी एल बाई टू हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा, 57 में थर्ड आंसर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं अपन। द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व ऑफ गिवन वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर इज। देखो यहाँ पे स्ट्रेस आपने एक्स एक्स पे ले रखा है और स्ट्रेन वाई एक्स पे ले रखा है, तो वाई जो है यंग्स मॉडुलस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा 1/10 थीटा, मतलब स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो स्लोप सबसे कम किसका है, इसका है, तो गामा सबसे ज्यादा इसका रहेगा, ये चीज तो क्लियर हो गई। तो इलास्टिसिटी ऑफ वायर पी इज मैक्सिमम, गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, और देखो ये
टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है, ये जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका और गामा से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो इन्फॉर्मेशन तो अपन बता ही नहीं सकते, तो ये भी सही नहीं जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा हो रहा है? फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ काइनेटिक एनर्जी एक्स। तो देखो ये सैटेलाइट की कोई ऑर्बिट, इसमें काइनेटिक एनर्जी के ही कितनी है? एक्स है। तो टोटल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी? माइनस एक्स। इसकी टोटल एनर्जी जो रहेगी वो कितनी रहेगी? माइनस एक्स। और पोटेंशियल एनर्जी रहेगी जो रहेगी वो माइनस टू एक्स रहेगी। तो ऐसी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर देखो इसको फ्री करना है, इसका मतलब इतनी पोटेंशियल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, टोटल एनर्जी जीरो बनानी पड़ेगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 अपन देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 8000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज 6 न्यूटन पर केजी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इन न्यूटन। देखो सेंटर से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है? वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसको आप वी के क्यू अपॉन में आर इंटू आर बोलेंगे, इसको आप क्या बोल देंगे? वी बोल देंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आर हो जाएगा। तो वी इज इक्वल टू ई इंटू आर कर देंगे। तो ई कितना है? 6 × 8000, मतलब 8 × 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। तो 4.8 × 10⁻⁷ अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 60 के अंदर कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है? सेकंड। ठीक है बच्चों, ये अपना पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।